वोट देते होंगे? वोट देते हैं। इस बार किसको देना? इस बार लालटेन को वोट देना है। लालटेन को देना? जी हाँ। क्यों, बीजेपी के नहीं? बीजेपी के इसलिए कि बीजेपी के आपके बार थोपड़ा साफ है, नीतीश का थोपड़ा साफ है। 10 साल में जो है बेरोजगारी, शिक्षा सब बिहार में खत्म हो गया है। अगर निर्दलीय से देंगे तो हम लोग अवनीश कुमार सिंह को वोट देंगे। हमारा क्षेत्रीय विकास है वो निर्भर करता है कि हमारा क्षेत्रीय विधायक कैसा है, हमारा क्षेत्रीय प्रतिनिधि कैसा है। इच्छा है कि एनडीए की सरकार आए, लेकिन बात अगर प्रतिनिधि की करेंगे तो हम अपने यहाँ से चाहेंगे कि अवनीश कुमार सिंह, जो कि यहाँ के एक कद्दावर नेता रहे हैं, जिन्होंने क्षेत्र का समूचा विकास किया है, हर वर्ग का ध्यान में रखते हुए उन्होंने विकास किया है, तो हम ऐसे नेता को चाहेंगे। और चूंकि वो निर्दलीय लड़ रहे हैं, यहाँ से तो मुझे अवनीश बाबू को ही जिता के विधानसभा भेजना है। आज पूरे चिरैया विधानसभा में लगता है कि पूरे बिहार के 243 विधानसभा में चिरैया विधानसभा ही एकमात्र ऐसी विधानसभा है जहाँ के सड़क 90 की दशक की सड़क की याद दिलाती है, तो वैसे विधायक को भेजने से क्या फायदा है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री कार्यक्रम में आज हम यहाँ मौजूद है। चिरैया विधानसभा का ये क्षेत्र है जो जिहुली गांव कहलाता है। यहाँ पर हमारे कुछ युवा नजर आ रहे हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे बिहार में किसकी सरकार ये चाहते हैं, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। नाम बताइए। रवि बड़ा सर। किसकी सरकार बनेगी? जी देखिए, हम लोग जितने पिछले समय से जो देख रहे हैं, तो जो भी जिनकी भी सरकार बनती है वो अपना एक मैनिफेस्टो जारी करते हैं और उसको एक्चुअल में ऊपर से ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन जो हमारा क्षेत्रीय विकास है वो निर्भर करता है कि हमारा क्षेत्रीय विधायक कैसा है, हमारा क्षेत्रीय प्रतिनिधि कैसा है। तो बेसिकली हमें ऊपर से कोई मतलब नहीं कि सरकार किनकी बन रही है, हमें यह देखना है कि जो हमारे क्षेत्रीय विधायक है, जो प्रतिनिधि है, वो कैसे हैं। जो हमारे सिटिंग MLA है उनका जैसे पिछले 5 साल में कोई योगदान नहीं है, स्थिति यह है कि उनको लोग पहचानती तक नहीं है कि यही लाल बाबू गुप्ता हैं जो हमारे वर्तमान के विधायक हैं। आज कई वीडियो वायरल हो रहे हैं हमारे क्षेत्र से जिसमें वो वोट मांगने के लिए अपने कैंपेन में निकल रहे हैं, तो उन्हें जनता के द्वारा हूटिंग का शिकार होना पड़ रहा है। रीज़न है कि उन्होंने कभी क्षेत्र में जनता के बीच में उन्होंने सामंजस्य नहीं बिठाया। आप अगर क्षेत्र में निकलेंगे तो आपको पिछले 5 साल में बनी हुई एक भी सड़क नहीं दिखेगी। सारी सड़कों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। अभी वर्तमान में हमारे क्षेत्र में बाढ़ आई थी, लेकिन हमारे यहाँ किसानों को इसका कोई भी लाभ नहीं मिल सका, सारे किसान त्रस्त हैं। तो वो सिर्फ अपने लिए राजनीति करते हैं, पैसों के दम पे सीट को मतलब खरीदना चाहते हैं, लोगों में चाहते हैं कि हम अपना टिकट खरीद लें पार्टी से और हम अपना राज करें। उनके लिए बस सिर्फ इसका भोग करना ही उद्देश्य है, जनता का सेवा उद्देश्य नहीं है। तो हम लोग प्रतिनिधि को ध्यान में रखते हुए वोट करेंगे, हम लोग को सरकार से मतलब नहीं। तो प्रतिनिधि जो यहां से चुन के जाएगी वही तो सरकार बनेगी, तो तेजस्वी या नीतीश कुमार? देखिए, आइडियोलॉजी की बात करें तो हमारी इच्छा है कि NDA की सरकार आए, लेकिन बात अगर प्रतिनिधि की करेंगे तो हम अपने यहाँ से चाहेंगे कि अवनीश कुमार सिंह, जो कि यहाँ के एक कद्दावर नेता रहे हैं, जिन्होंने क्षेत्र का समूचा विकास किया है, हर वर्ग का ध्यान में रखते हुए उन्होंने विकास किया है, तो हम ऐसे नेता को चाहेंगे। और चूंकि वो निर्दलीय लड़ रहे हैं, इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ कि हमें अपने प्रतिनिधि से मतलब है और हर विधानसभा के लोगों को उन्हीं से मतलब होना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री से संभव नहीं कर सकते हैं कि कुल 243 विधानसभा में वो हर महीने घूम के उसका अवलोकन करें, तो यह दायित्व वहाँ के MLA की होती है। तो इसलिए मेरा ये सलाह रहेगा और मेरा ये सोच है, यहाँ तक कि हर एक लोग का यहाँ पे सोच है इस बार, कि हम अपने निर्दलीय प्रत्याशी श्री अवनीश कुमार सिंह जी को समर्थन करें और जो भी सरकार बने उन्हें वो अपना समर्थन दे और क्षेत्र का विकास होना चाहिए, ये ज़्यादा महत्व है। आपका क्या नाम है? सिद्धार्थ कुमार। वोट देते हैं? जी। इस बार किसको विधायक चुनना है? देखिए, विधायक तो चुनना है, अभी हम जिस क्षेत्र में हम जहाँ के मैं निवासी हूँ यहाँ से, तो मुझे अवनीश बाबू को ही जिता के विधानसभा भेजना है। क्यों, लाल बाबू गुप्ता क्यों नहीं? देखिए, अभी लाल बाबू गुप्ता पे क्या है कि आप खुद देख सकते हैं, NDA सरकार का 2 मूल मंत्र है, पहला सड़क, दूसरा बिजली। उनकी एक नारा है कि हमने हर घर तक, हर घर के मुहाने तक सड़क पहुंचाया और हर घर तक बिजली पहुंचाया। लेकिन अभी जो माननीय विधायक जी जो हैं, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी के भी विरोधी हैं, क्योंकि NDA सरकार का ये मूल मंत्र है सड़क। आज पूरे चिरैया विधानसभा में लगता है कि पूरे बिहार के 243 विधानसभा में चिरैया विधानसभा ही एकमात्र ऐसी विधानसभा है जहाँ के सड़क 90 की दशक की सड़क की याद दिलाती है, तो वैसे विधायक को भेजने से क्या फ़ायदा। मुझे अपना विकास चाहिए ना, आज हमारे परिवार में किसी का तबीयत ख़राब हो जाएगा तो मुझे यहाँ से मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल और मोतिहारी हॉस्पिटल जाने में मुझे 2 से 4 घंटे का समय लगेगा,
और नीतीश जी का एक नारा है कि किसी भी गांव से, किसी भी बिहार के कोने से राजधानी का संपर्क कितने देर का होना चाहिए, 6 घंटे का। तो मुझे ऐसा विधायक, निकम्मा विधायक नहीं चाहिए। क्या नाम है? हित नारायण झा। हित नारायण झा जी, ये वोट देवे नहीं? ये वोट देंगे, और हमारे पंचायत से और ब्लॉक से श्री अवनीश बाबू को विजय होगा, विजय देने के लिए तैयार है। निर्दलीय से विजय होगा, विजय बनाने के लिए मैं तैयार हूँ। ये हमारा विधायक चाहिए, और सब दिन से थे, आज भी हमारा विधायक ही चाहिए। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, मोदी सरकार, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार कोट देंगे या तेजस्वी को? किसको मुख्यमंत्री के रूप में लेना चाहेंगे? तेजस्वी को। बीजेपी की सरकार बननी चाहिए? जी बननी चाहिए। क्या किया बीजेपी ने? बीजेपी ने अभी नहीं किया है, अब जो तालमेल दे दिया है, अब तो ताल बदल दिया। अब जब हमारे विधायक को छोड़ दिए तो हमारा भी ताल बदल गया, जो ये नहीं बन सके। अभी तो आप बोल रहे हैं कि बीजेपी को देंगे? नहीं बनना चाहिए। बस नीतीश को हराओ। हाँ, क्या है नीतीश के नाराज? नहीं, नाराज है। जब हम अपना आदमी को नहीं वोट दिया, दूसरे को दिया वोट, तो वोट नहीं, टिकट नहीं दिया, तो वैसा आदमी को रहने से क्या होगा? हाँ, वो बिहार के लिए नहीं ठीक है। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। नाना हूँ। क्या आपका नाम नहीं है? नाम तो होगा। ललता देवी, जय हो भक्तला। ललता देवी, वोट देते हैं? वोट देते हैं। इस बार किसको दीजिएगा? हाँ, इस बार किसको दीजिएगा? के गांव के लोग के दीवार के कर दे। गांव के लोग के थोड़ी ना, जो खड़ा होगा उसको दीजिएगा ना। कौन खड़ा है आपके क्षेत्र चिरिया विधानसभा से? अवनी सिंह को दीजिएगा, वो तो निर्दलीय प्रत्याशी है, उनको क्यों दीजिएगा? और दूसरे को क्यों नहीं दीजिएगा? अच्छे लाल, यहाँ महागठबंधन के नीतीश कुमार भी है, उनकी पार्टी, नीतीश कुमार की पार्टी से जो गठबंधन हुआ है, तो बीजेपी कैंडिडेट आपके लाल बाबू गुप्ता हैं। आपके यहाँ के तो विधायक लाल बाबू गुप्ता हैं। विधायक है अवनीश, अवनीश जी को दीजिएगा। वृद्धा पेंशन मिलता है? अवनीश जी क्या किए हैं, कुछ क्षेत्र में काम किए हैं? करल इतना कर, आग लगा। इंदिरा आवास मिला है? तो कितना पैसा मिला इंदिरा आवास? हमने सब खाक पका गई, ये ना मिला तेना। क्या नाम है आपका? भोला। जोर से बोलिए। भोला। वोट देते हैं? हाँ देते हैं। इस बार किसको दीजिएगा? गांव वाले को देंगे, अवनीश कुमार सिंह। अवनीश कुमार तो किसी पार्टी में नहीं है? पार्टी में नहीं है, लेकिन गाँव का है, देख रेख में रहते हैं। अवनीश जी ने क्या विकास किया है? बहुत विकास किए हुए हैं। नहीं विकास किए हुए तो शांति तो बनाए रखते हैं, ये भी बात है। आपके यहाँ सिटिंग विधायक लाल बाबू गुप्ता है, हाँ। उनको क्यों नहीं दीजिएगा? वो जब से वो जीते तब से गांव में नहीं, कभी नहीं आए हुए। बाढ़ भी आया था, उसमें भी राशन नहीं दिए, नहीं आए। जनता को देखने से क्या हो रहा है, जनता को उन देखने नहीं है, इसलिए वोट नहीं देंगे। अच्छा, बिहार में किसकी सरकार चाहते हैं, नीतीश कुमार या तेजस्वी? बिहार में सरकार किसी को चाहिए, जनता को सुख होना चाहिए, शिक्षा का प्रचार होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए स्कूल में बच्चों को, और क्या दूसरा क्या होना चाहिए। तो कौन करेगा विकास, कौन पार्टी करेगी विकास? अब जो पार्टी मिलकर करे, बीजेपी करे या तेजस्वी या करे, जो सरकार बनेगा तब वही करेंगे ना। बीजेपी के साथ नीतीश कुमार है, तेजस्वी की तो अलग पार्टी है। तो नीतीश कुमार है, तो नीतीश कुमार इतने दिन से तो शिक्षा को अभी तक ले बैठे हुए हैं। कहाँ शिक्षा है, न राशन मिलता है, ब्लॉक में दौड़ने पर 2-4 महीना दौड़ते हैं तो एक बार सुनता है। क्या नाम हुआ आपका? जी नाम हुआ मोहम्मद नईम। नईम साहब क्या करते हैं? सिलाई का काम करते हैं। वोट देते होंगे? वोट देते हैं। इस बार किसको देना है? इस बार लालटेन को वोट देना है। लालटेन को देना? जी हाँ। क्यों, बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी की इसलिए कि बीजेपी के आपके बार थोड़ा साफ है, नीतीश का थोड़ा साफ है। हमारे बगल में कंजेंसी है मधुबन पकड़ी दियाल, जहाँ से एक साहब को टिकट मिला है लालटेन से, वो चुनाव जीतने जा रहा है। यहाँ से ऐसे लाल यादव को मिला है, चुनाव वो जीतने जा रहा है। ढाका से फैसल रहमान चुनाव जीतने जा रहा है। रीगा से ये टुन्ना सिंह जीतने जा रहा है, और शिवहर से लवली आनंद का बेटा जीतने जा रहा है। पूरा एरिया जो है लालटेन लालटेन लालटेन, 10 साल में जो है बेरोजगारी, शिक्षा सब बिहार में ख़त्म हो गया है। केंद्र में मोदी सरकार है,
राज में नीतीश सरकार है, बहुत पीछे चला गया, 10 साल पीछे चला गया इंडिया ये लॉकडाउन में। 5 किलो राशन खा लेगा एक महीना एक आदमी, ये लड़का से 10,000-20,000 के महीना कमाता था दिल्ली में, आज बेरोजगार 10 साल से बैठा हुआ है। यही सरकार है, 20,000 करोड़ पैकेज दिए, कहाँ है वो पैकेज? ये पूछिए आप नीतीश सरकार से और मोदी सरकार से, बस अब दूसरा क्या कहे। और अब की बार जो है तेजस्वी का लहर है, सीएम बनने जा रहा है तेजस्वी, इसको कोई नहीं रोक सकता है। आपका विधायक लाल बाबू गुप्ता है जी, हाँ, तो क्या कोई काम नहीं किया? कोई काम नहीं किया है हमारे पदमकीर में, कोई काम नहीं किया है। अच्छा, तो इस बार लाल बाबू गुप्ता को छाड़ दिया गया है, या तो अच्छलाल यादव चुनाव निकालेंगे और नहीं तो अवनीश कुमार चुनाव निकालेंगे, जो निर्दलीय से है। निर्दलीय, हाँ, हमारा स्थानीय क्षेत्रीय विधायक 4 बार रह चुके हैं बीजेपी से। आपका लक्ष्मी नारायण भी निर्दलीय है? निर्दलीय है। क्या उनको? नहीं, ऐसा कि पार्टी में तो ज्यादा उन्होंने, पार्टी में ज्यादा वो काम किए है, लेकिन हम लोग का एक नजदीकी, अगर निर्दलीय से देंगे तो हम लोग अवनीश कुमार सिंह को वोट देंगे, ये हमारे नजदीक का है। वो यहाँ से जाएंगे तो अपने घर तो हमारे गांव होते हुए जाएंगे, कुछो करेंगे, ये दिया हुआ वो निकाह है अवनीश कुमार जी। हाँ, इसलिए हम लोग अगर निर्दलीय को देंगे तो इनको देंगे, और नहीं तो पार्टी से देंगे तो अच्छलाल यादव को देंगे वोट।